राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। तो कल मैंने वीडियो डाली थी जो कि नी नॉकिंग के ऊपर थी, दोनों घुटने जोड़ने के ऊपर क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। और आप लोगों ने उसको देखा, काफ़ी कुछ लाइक भी किए। और आज मेरे एक दोस्त हैं, वैसे दोस्त तो नहीं है, है तो पिता समान, फिर भी दोस्त मानता हूँ। उन्होंने मेरे को कमेंट किया था कि नी नॉकिंग तो ठीक है, लेकिन थोड़ा बुज़ुर्ग एज में नी नॉकिंग से ज़्यादा नी पेन होता है, तो एक वीडियो बनाओ जिसमें आप नी पेन के कैसे होता है, क्यों होता है और उससे निजात पाने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज है। तो आज का ये वीडियो उनको समर्पित, सीआईडी ऑफिसर नीरज कुमार, गुड़गांव पुलिस। घुटना दर्द करे तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें, ऑल पे कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और इस उम्मीद के साथ वीडियो शुरू करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो नी पेन है वो होने के मेन कारण क्या हैं। तो नी पेन होने के मेनली तीन कारण हैं। सबसे पहले तो है आपका हैवी वेट, शरीर का वज़न ज़्यादा होना। दूसरा इंजुरी। तीसरा एक्सरसाइज का कम करना या ज़्यादा देर तक बैठे रहना। नी पेन का पहला एक्सरसाइज, ठीक है, किसी भी दीवार के साथ ऐसे सट के बैठ जाएं, ठीक है। दोनों घुटनों को क्लोज करें, किसी एक घुटने का एक्सरसाइज पहले शुरू करें, ठीक है। फोल्ड करना है, सीधा करना है, बिल्कुल स्लोली, ज़्यादा दबाव नहीं डालना। सेम दूसरे को करना है, ये रिलैक्स एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर दो, दीवार के साथ ऐसे पकड़ देना है, अपने एक पैर को आगे फोल्ड करते हुए पीछे वाले पैर को पूरा स्ट्रेच करना है, चेंज करना है, चेंज करना है, पीछे वाले पैर को पूरा स्ट्रेच करना है और आगे वाले को पूरा बेंड करना है। इस एक्सरसाइज को कम से कम 20 बार करें। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर तीन, किसी मैट के ऊपर ऐसे बैठ जाएँ समतल में, और क्या करें, किसी एक घुटने को फोल्ड करें, चेस्ट के साथ लगाएं, फोल्ड करें, धीरे धीरे छोड़ दें। नेक्स्ट दूसरे घुटने को शेप्स के साथ लगाएं, होल्ड करें और छोड़ दें। इस एक्सरसाइज का कम से कम 20-20 बार रेपिटेशन करें। ध्यान दें कि घुटने को जोर से ना छोड़ें, ठीक है, आराम से ले जाएं और आराम से ही छोड़ दें। ओके ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर फोर, धीरे धीरे क्या करना है, लेफ्ट घुटने को ऊपर उठाना है, इसको नीचे, फिर राइट को ऊपर, और पंजे को आगे की तरफ शिफ्ट करते हुए ये एक्सरसाइज को करनी, ठीक है। इससे काफ़ी हद तक आपका पेन कम हो जाएगा। इस एक्सरसाइज को लगातार 2 से 3 मिनट करें, फिर ब्रेक करें, फिर अगेन करें। थैंक यू। एक्सरसाइज नंबर पाँच, किसी दीवार का सहारा ले लें, खास करके बुजुर्ग लोगों के लिए। हाथ में टॉवल लें, टॉवल को पैर पे डालें, सीधे पैर पे आगे को झुकते हुए इसको टावल को खींचते हुए अपने पास क्लोज करें। फिर सेम इसी में क्या करना है, धीरे धीरे सीधा करना है, ऐसे ही दूसरे पैर से करें, धीरे धीरे करें और फिर सीधा करें। थैंक यू। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 6, किसी भी समतल जगह पर ना किसी मैट पर पेट के बल लेट जाएं, दोनों हाथ को आगे रखें, और क्या करना है, दोनों घुटनों को घुटने तक फोल्ड कर लें, उसके बाद सीधा कर लें ऐसे। अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो आप सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं। स्लोली स्लोली करना है, स्लोली स्लोली नीचे ले जाना। थैंक यू। नेक्स्ट एक्सरसाइज, किसी एक पैर को आगे रखें, पीछे वाले पैर को सीधा रखते हुए आगे वाले को फोल्ड करें। ध्यान रखें आपका घुटना आपके पैर लेवल से आगे नहीं जाना चाहिए।
ये सब एक्सरसाइज करने के बाद लास्ट में क्या करना है हमें, आइस लेके किसी पॉलिथीन में डाल के या किसी कपड़े में बांध के आइस को अपने नी जॉइंट पे इस प्रकार से लगाना है, ऐसे आइस पैक लेके इस प्रकार से इसके ऊपर रखना है, जगह चेंज करते रहना है, दोनों के ऊपर इस प्रकार से आइस लगानी है। हाय दोस्तों, जय हिंद, राम राम। उम्मीद है कि जो मैंने एक्सरसाइज आज डाले हैं इसको करने से आपका नी पेन काफ़ी हद तक आराम मिलेगा। लास्ट में मैंने आपको एक आइस के लिए बताया था, तो वो आइस आपको कम से कम 24 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 72 आवर्स तक आइस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आइस पैक बनाने के लिए आपको अपने फ्रिज से आइस लेना है, उसको किसी पॉलीथीन में डाल के ही लगाना है, डायरेक्ट आइस कांटेक्ट आपके स्किन के साथ नहीं करना है। और फिर लास्ट में, अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, और आपकी प्रॉब्लम फिजिकल से रिलेटेड कोई भी मेरे को बताएं और उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोलें, मैं प्रॉमिसली आपका वीडियो 1-2 दिन में बना के पोस्ट करूँगा जो कि आपको फ़ायदा देगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, राम राम, गुड इवनिंग।